आप लोग जो है वेट कर रहे थे कि Asus TUF 2021 एडिशन का फुल रिव्यू मैं कब लाऊंगा, तो ये रहा दोस्तों Asus TUF A15 का फुल रिव्यू। जिन लोगों ने अनबॉक्सिंग नहीं देखा, जाकर जो है वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट ये है Asus TUF A15 2021 एडिशन का फुल रिव्यू, तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे फ्रेश अपडेट्स। करने अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तभी जाकर सब्सक्राइब बटन है नीचे प्रेस कर दो, साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस करना, ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जिन स्टोर से मुझे ये लैपटॉप मिला वो है महालक्ष्मी इन्फो सिस्टम, जो कि गुवाहाटी असम के अंदर है। अगर आप भी हो गुवाहाटी असम से तो जाकर जो है वहां पे विजिट कर सकते हो। उनका दो स्टोर है, एक तो महालक्ष्मी इन्फो सिस्टम्स है और एक टेक्ट्रॉनिक का स्टोर है, जो कि आप लोग विजिट कर पाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक और नंबर मिल जाएगा, यू मे कॉन्टेक्ट देम। और अगर आप लोग गुवाहाटी आते हो असम से हो तो विजिट जरूर करना। तो अभी बात करते हैं Asus TUF A15 2021 एडिशन का। जो अनबॉक्सिंग मैंने हाल ही में किया था उसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट किया और सारे चीजें मैं डायरेक्टली बताना चाहूंगा, जो है वो है, तो सब कुछ देखेंगे। फर्स्ट बात करते हैं यहां पे, जब ये फर्स्ट इंप्रेशन में हाथ में आया ना, ये वाला जो फील है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत ही अच्छी और स्टर्डी फील है। इसको ऊपर का मेटल बॉडी है और दिखने में बहुत ही एलिगेंट लुक के साथ आता है, और साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लगी। यहां पे फ्लेक्स बहुत ज्यादा ही कम है। यहां पे रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेसिफिकेशन में बता देता हूं। यहां पे जो सीपीयू यूज किया गया वो है राइजन 7 की 5800H, जहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है 8 कोर और 16 थ्रेड्स, जो कि बहुत ही फास्ट काम करेगा। 16 MB की यहाँ पे आप लोगों को कैश मेमोरी देखने को मिलती है। इसका बेस क्लॉक 3.2 GHz से लेकर बूस्ट क्लॉक 4.4 GHz तक मिल जाती है। यह 7 nm का प्रोसेसर है और 45 वाट की TDP के साथ आती है। यहाँ पे ग्राफिक्स के मामले में RTX 3060 यूज किया गया है, जो कि 6 GB की ग्राफिक्स है GDDR6। तो यहाँ पे TDP की बात करें तो 90 वाट की TDP है और डायनेमिक बूस्ट के साथ ये 95 वाट तक ये काम करता है, तो अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है ग्राफिक्स के मामले में भी। और रैम यहाँ पे 16 GB का मॉड्यूल है, 8 GB का दो मॉड्यूल लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो तो एक स्लॉट निकाल के वहाँ पे आप लोग रैम को अपग्रेड कर सकते हो, तो अप टू 32 GB। और ये DDR4 3200 MHz के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे SSD की बात करें, 1 TB की SSD प्री इंस्टॉल्ड है मेरे वाले मॉडल के अंदर। आप अगर कम वाले मॉडल लेना चाहते हो तो 512 GB का भी एक मॉडल आएगा, जो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एक एडिशनल SSD का स्लॉट भी है, जहाँ पे फर्दर आप लोग एक्सपांड भी कर सकते हो। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक IPS लेवल के डिस्प्ले है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को 144Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं कि कितना मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हिडन चीज़ है। अगर Asus वाले देख रहे हो तो ज़रूर ये अपडेट कर देना, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन जो है यहाँ पे 1920x1080 है और 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो के साथ मिलता है। यहाँ पे कलर गैमट की बात करते हैं तो sRGB रेशियो यहाँ पे 62.5% की है, और Adobe RGB जो है यहाँ पे आप लोगों को 47.34% की मिल जाती है। और ये दोस्तों एडाप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो यहाँ पे फैंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले क्वालिटी एवरेज है, उतना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रीवियस जनरेशन में आप लोगों को जैसा देखने को मिलता वैसा ही डिस्प्ले यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। तो कलर मैं कहूँगा उतना एक्यूरेट भी नहीं है, बट आपके आंखों को उतना पता नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल यू आर ए प्रो ग्राफिक्स डिजाइनर और प्रोफेशनल लेवल में कुछ काम करना चाहते हो, तब ये शायद से कलर मिसमैच हो सकता है। बट नॉर्मल आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। और 144Hz का जो है स्मूथनेस वो समझ में आता है यार, तो जब भी आप लोग यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलोगे तो आसानी से गेम्स या फिर नॉर्मल टास्क भी करते हो ना, 144Hz में आप लोग को अच्छा एक स्मूथ फीलिंग आएगा। और रेस्पॉन्स टाइम भी उतना पता नहीं चलता है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट गेम वगैरह खेलते हो, तभी आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये मेक श्योर कीजिएगा ये डेडिकेटेड GPU से कनेक्टेड 3060 के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहां पे आप लोगों को इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो Ryzen 7 के साथ देखने को मिलता है उसके साथ ही ये कनेक्टेड है, तो IGPU से जो है डिस्प्ले कनेक्टेड है। तो आप लोग उतना ज्यादा जो है ग्राफिक्स इंटेंसिव काम करोगे तो यहां पे जैसे कि Lenovo Legion 5 में मक स्विच का सपोर्ट है इसके अंदर नहीं है, बट यहां पे एक फीचर है जिसकी मदद से आप लोग जो IGPU और DGPU में स्विच कर सकते हो, बट डिस्प्ले से वो कोई लेना देना नहीं, वो आगे सॉफ्टवेयर सेक्शन में बात करेंगे। यहां पे अगर बात करते हैं IO पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स क्या क्या है यहां पे, पोर्ट्स के में देखो यार, यहां पर एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा, 3 आप लोगों को 3.2 की USB देखने को मिल जाएगी, एक 3.5 mm की जैक है और एक टाइप सी की आप लोगों को पोर्ट मिल जाती है, एक आप लोगों को HDMI पोर्ट और RJ45 की एक जैक मिल जाती है। तो ये सारे चीजें कंबाइन करके दिया गया है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप लोग टाइप सी से चार्ज कर सकते हो कि नहीं इस लैपटॉप पर, नहीं कर सकते। मैंने ट्राई करके देखा, यहाँ पे कोई भी चार्जिंग नहीं लेता है। ओके, उसके बाद कीबोर्ड की बात करते हैं, तो कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड है, बिल्ड क्वालिटी वाइज कुछ भी दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी उतना ज़्यादा नहीं है।
साथ ही साथ यहाँ पे कीबोर्ड की टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर भी मुझे अच्छा लगा, ट्रैवल डिस्टेंस भी अच्छी खासी है, टाइपिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, गेम्स वगैरह खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आरजीबी इफेक्ट्स की अगर बात करते हो तो आरजीबी देखो यार यहाँ पे कंट्रोलेबल तो है, बट यहाँ पे आप लोग को चार मोड्स देखने को मिलती है, एक स्टैटिक, एक ब्रीथिंग, एक कलर साइकिल और एक आप लोग को यहाँ पे स्ट्रोबिंग इफेक्ट देखने को मिलती है। तो इतना ज़्यादा आप लोग को इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता, WASD का एक डेडिकेटेड जो है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट की यूज़ किया गया है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पे ओरा आरजीबी सपोर्ट करता है तो उससे आप लोग जो कलर वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है पर की आरजीबी मिसिंग है इस वाले लैपटॉप के अंदर, ये वाला फीचर इस वाले लैपटॉप में नहीं मिलता है आप लोग को। ऑडियो की बात करें यहाँ पे DTS ऑडियो सपोर्ट करता है जो कि बहुत ही अच्छी ऑडियो आप लोग को दे देगी, AI नॉइस कैंसिलेशन की माइक है, साथ साथ यहाँ पे बिल्ट इन दो आप लोग को 2 वाट की स्पीकर मिल जाती है। तो ऑडियो के मामले में ASUS TUF A15 का ऑडियो अच्छा है, यहाँ पे आप लोग को DTS सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसकी मदद से आप लोग इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो और साउंड को एनहांस कर सकते हो, तो अच्छी चीज है। ऑडियो के मामले में यहाँ पे ऑडियो में अगर सुनाओ आप लोग को समझ नहीं आएगा तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ऑडियो अच्छी है, एज प्रीवियसली जैसा था वैसा ही ऑडियो इस बार भी आप लोग को मिल जाता है। नेटवर्क्स के मामले में यहाँ पे देखो यार वाईफाई 6 का सपोर्ट है और ब्लूटूथ 5.2 का डुअल बैंड सपोर्ट है, तो वाईफाई तो बहुत ही सुपर फास्ट चलने वाला है और यहाँ पे ब्लूटूथ भी बहुत ही तेजी से काम करने वाला है, तो इन दोनों में भी कोई दिक्कत इस वाले लैपटॉप में मुझे तो नहीं आई, तो आपको भी नहीं आएगा। बैटरी की बात करें तो देखो यहाँ पे 90 वाट आवर की 3 सेल बैटरी है जो कि बहुत ही अच्छा क्लेम करेगा, और यहाँ पे जो अडाप्टर आप लोग को मिल जाता है वो 200 वाट का AC अडाप्टर है जिसको आप लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हो और चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 50% चार्ज जो है आप लोग को यहाँ पे 30 मिनट्स के अंदर करवा के दे देगा, तो ये अच्छा एक लैपटॉप है जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग का फैसिलिटी दिया गया है, साथ साथ 90 वाट आवर की बैटरी है। अगर बैटरी लाइफ कितनी है आप मुझे पूछे तो देखो नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह में जब कर रहा था तो ये लगभग आप लोग को 6 घंटे के आसपास बैकअप दिया है नॉर्मल टास्क में, जब मैंने यहाँ पे हैवी टास्क थोड़ी की जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह किया तो ये लगभग 5 घंटे के आसपास बैकअप दिया, और साथ साथ जब मैंने यहाँ पे गेमिंग टेस्ट किया नॉर्मली मैंने गेम चलाया तो यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट के आसपास ये चला, हाई सेटिंग्स में मैंने खेला था उसको तो वो टेस्ट में 1 घंटे के आसपास ही चला, 1 घंटा 15 मिनट उससे ज़्यादा नहीं। और गेमिंग क्यों करोगे आप लोग, गेमिंग मैं कहूँगा कि आप लोग चार्ज लगा कर ही गेमिंग किया करो। तो अभी बात करते हैं थर्मल्स की, थर्मल्स यहाँ पे देखो यार डिज़ाइन थोड़ी चेंज की गई है, पीछे की तरफ की बात करें तो पीछे यहाँ पे आप लोगों को हनीकॉम डिज़ाइन जो है उसके अंदर वेंट्स कम थे पहले, अभी यहाँ पे वेंट्स आप लोगों को मिल जाती है, तो वेंट्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की तरफ वेंट्स जो है सब तो नहीं खोल दिया है बट कुछ जो है वेंट्स का पोर्शन यहाँ पे कटआउट कर दिया गया है जिसकी मदद से आप लोग की थोड़ी जो है एयर फ्लो तो यहाँ पे ठीक होगी। तो इस बार थर्मल डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को 4 जो है यहाँ पर हीट पाइप्स देखने को मिल जाती है, और जो 3 यहाँ पे है वो काम क्या करता है, यहाँ पे जो हीट होता है ना आपके सिस्टम हार्डवेयर के आसपास उसको बाहर की तरफ खींचता है, तो इस तरीके से जो हार्डवेयर थोड़ी कूल रहती है। साथ ही साथ यहां पे सेल्फ क्लीनिंग कूलिंग का डिजाइन यूज किया गया जो कि 2.0 की डिजाइन है, प्रीवियस जनरेशन से जो एडवांस्ड है यहां पर, और यहाँ पे 83 फैन ब्लेड यूज किया गया, पिछले जनरेशन में जो है एयर फ्लो में थोड़ी कमी थी तो यहाँ पे ब्लेड्स इंक्रीज कर दिया गया, 83 ब्लेड्स का यहाँ पे आप लोगों को फैन ब्लेड्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे कहाँ जा रहा है कि 10% ज्यादा एयर फ्लो होगा एज कम्पेयर टू द 2020 एडिशन, ये कहाँ जा रहा है कि यहाँ पे 11% आप लोग को नॉइस कम देखने को मिलेगा जब आप लोग इसको परफॉर्मेंस मोड में यूज करोगे। तो अभी आप सोच रहे हो कि परफॉर्मेंस मोड क्या है, तो चलिए अभी सॉफ्टवेयर को देख ले, तो आर्मनिश क्रिएट सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग को सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग जो है आपकी सिस्टम को आप खुद सेट कर सकते हो, आपको परफॉर्मेंस मोड में रखना है, साइलेंट मोड में रखना है, विंडोज मोड में रखना है, ये सारे चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, और जब आप लोग चार्जर को प्लग इन करोगे तब आप लोगों को एक टर्बो मोड मिल जाएगा जो कि बहुत हाई स्पीड फैन को मूव करता है जिसकी मदद से सिस्टम और ज्यादा कूल होता है। वो जो टर्बो मोड है वो हमेशा प्रीफर किया जाता है जब भी आप लोग गेमिंग वगैरह करते हो तो आप लोग यूज कर सकते हो। आर्मनी क्रिएट सॉफ्टवेयर से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, यहाँ पे कस्टमाइजेशन करनी है आपको लाइट वगैरह की और आरजीबी को सेट करना है तो यहाँ से आप लोग आसानी से कर पाओगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक मोड है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जो कि है IGPU मोड। IGPU मोड में होता क्या है, यहाँ पे बैटरी सेविंग मोड है ये एक, जहाँ पे IGPU मोड अगर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिर्फ इंटीग्रेटेड GPU को यूज़ करेगा और यहाँ पे जो डेडिकेटेड GPU है उसको जो है टर्न ऑफ करके रखेगा, और जो है इंटीग्रेटेड GPU जब यूज़ होगा तब बैटरी कंजम्पशन लो होगी। तो ये मोड नया ऐड किया गया जो 2020 में नहीं था, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो ASUS ने इस बार ऐड किया। जब भी आप लोग गेम खेलोगे तब आप लोग डेडिकेटेड GPU को चूज़ कर सकते हो, पावर सेविंग मोड से हाई परफॉर्मेंस मोड में ला सकते हो, तो ये एक अच्छा मोड है जो बहुत नया था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो ये चीज़ छोटी यहाँ पे दी गई है। तो मैंने शायद से सारे स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे वेबकैम और अगर आप लोग माइक का सैंपल देखना चाहते हो तो ये रहा एक सैंपल जो मैंने इसी का वेबकैम और माइक यूज़ करके रिकॉर्ड किया, तो आप देख लीजिए।
तो ये जो वीडियो शूट हो रहा है डायरेक्टली HD जो 720p की वेबकैम दी गई है Asus TUF A15 के अंदर, वहां से शूट हो रहा है। और जो ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हो ये डायरेक्टली इसकी माइक से शूट है, तो कोई भी एडिटेड नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हो इसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी है। मैं वेबकैम की क्वालिटी कहूंगा बहुत ही ज्यादा एवरेज से भी नीचे है। अगर मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ लाइट को, नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन कुछ ऐसा आप लोग को देखने को मिलता है। अगर मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हो लाइटिंग अच्छी होगी तो वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी होती है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट किया है बट उतना टेस्ट नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो 3D टाइम्स 5 मैंने चेक किया था, यहाँ पे पॉइंट्स आया 7564 और बहुत सारे टेस्ट किया, वो सब वैल्यूज उतना मैटर नहीं करता है। बट ये मैं सिनेबेंच R23 कोर को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि यहाँ पे सीपीयू की मल्टी कोर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 11066 पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाती है और सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो है सीपीयू की वो है 1353 पॉइंट्स, जो लगभग आप लोगों को अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस दे देता है। इसलिए अभी थोड़ा छोटा सा गेमिंग टेस्ट हो जाए, उसके बाद गेमिंग टेस्ट में बाद में एक बड़ा सा क्लिप डाल दूंगा, बट अभी छोटा सा आप लोग डेमो देख लीजिए। तो यहाँ पे गेम जो है मैक्स सेटिंग्स पे चलाने वाला हूँ, यहाँ पे टर्बो मोड ऑन रहेगा, रूम टेम्परेचर 32 डिग्री है और यहाँ पे देखते हैं ये गेम्स कैसे परफॉर्म करता है। फर्स्ट ट्राई करते हैं यहाँ पे हिटमैन यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में हम लोग खेलेंगे। तो यहाँ पे जो हमें FPS देखने को मिलता है ये 110 की FPS एवरेज मेंटेन करता है। CPU टेम्परेचर की बात करें तो 86 डिग्री तक की CPU टेम्परेचर जाती है, 86-87 डिग्री, और यहाँ पे GPU टेम्परेचर जो है 78-79 डिग्री तक जाता है। तो ओवरऑल ये अच्छा आप लोग को यहाँ पे FPS मिल जाता है हिटमैन के अंदर। अभी यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी 2 की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक्स मैंने एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो CPU जो है यहाँ पे 84 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और GPU 75-78 के आसपास जो है मंडरा रहा है। तो मैक्सिमम रिटेन अगर कर रहा है वो 75 डिग्री में ज़्यादातर है। तो यहाँ पे 220 FPS प्लस ही आप लोग को देखने को मिलता है। अगर GTA 5 की बात करें तो वेरी हाई सेटिंग्स में मैंने इसको खेला तो CPU जो है फ्लक्चुएट थोड़ा किया, यहाँ पे 87-88 मेंटेन रखता और कभी कभार कहीं पे स्लाइटली जो है 91 डिग्री तक गया। और GPU की बात करें यहाँ पे 76-79 तक ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये एक अच्छा आप लोग को लैपटॉप मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी आप लोग को 150 FPS प्लस दे देता है। तो मुझे पर्सनली जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ये तो अच्छी लगी, और गेम्स के बारे में जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। कंक्लूजन बताऊं कि मुझे लैपटॉप कैसा लगा। देखो फर्स्ट चीज है थर्मल्स की बात करें तो यहाँ पे थर्मल्स जो प्रीवियस लैपटॉप था उससे आप लोग को ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। देखो पिछली बार जो है 95 तक पहुँच जा रहा था, इस बार वो चीज़ मेंटेन होकर 91-90 तक मैक्स कभी कभार जाता है, बट नेचुरली वो 87-88 तक वो स्टिक करके रहता है। ये चीज़ अच्छी है इस बार, जो कि 95 तक टच बार बार कर रहा था ना कुछ कुछ गेम्स के अंदर वो नहीं कर रहा है। थोड़ी जो है यहाँ पे अच्छी टेम्परेचर कंट्रोल आप लोग को मिल जाती है इस वाले लैपटॉप के अंदर, उतना ज़्यादा जितना हाइप क्रिएट होता उतना नहीं है, थोड़ा आप लोग को यहाँ पे डिसेंट थर्मल्स मिलता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे अच्छी लगी लैपटॉप, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और हीटिंग इशू की बात करें, नॉर्मल जब आप लोग काम करते हो तब आप लोग को उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है लैपटॉप। मैंने यहाँ पे कोई भी कूलिंग पैड वगैरह यूज़ नहीं किया था ड्यूरिंग टेस्टिंग और रूम टेम्परेचर 32-35 डिग्री के आसपास था। तो यहाँ पे अच्छी खासी रूम टेम्परेचर के अंदर अच्छा खासा आप लोग को FPS गेम्स के अंदर देखने को मिला। टेस्ट भी कर लिया, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आया। तो मैं कहूँगा अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो ये वाला लैपटॉप ले सकते हो, अच्छी खासी आप लोग को गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और साथ ही इसका प्राइस देखो 1,20,000 के आसपास इसका प्राइस होने वाला है। मुझे नहीं पता आसूस के बारे में आसूस कितना प्राइस में ये ऑफिशियली ऑनलाइन लिस्ट करेगा, बट ऑफलाइन में तो ये 1,20,000 में मिल रहा है अभी, शायद से क्राइसिस के लिए। और इसका एक लोअर वेरिएंट भी आने वाला है 8GB रैम और 512GB की SSD के साथ, उसका प्राइस लगभग 1,03,000 या फिर 4,000 हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये कंफर्म नहीं है। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, आसूस को मैंने मेल भी किया, वो भी बता नहीं सकते। और मैंने रिटेलर से जब पूछा उन लोगों ने कहा मुझे 1,20,000, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कुछ भी मुझे इसके ऊपर आता है प्राइसिंग के ऊपर तो मैं नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको अपडेट कर दूंगा। तो ये चीज़ है। और अभी अगर बात करता हूँ मैं ओवरऑल डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से, डिज़ाइन में मुझे कोई फ्लॉ नहीं लगा, डिज़ाइन वाइज मुझे टॉप नॉच लगा, बट जो सच है वो मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पर टेम्परेचर भी आप लोग देख पा रहे हो, गेमिंग मैंने करके दिखाया, सब कुछ करके दिखाया, तो एक अच्छा मशीन है जो ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे 100% sRGB होता तो अच्छा होता, बट यहाँ पे बहुत अच्छा पावरफुल यहाँ पे CPU देखने को मिलता है, साइज पावरफुल GPU है, तो ये आप लोग को कंप्रोमाइज़ करना होगा। इन 2021 सारे 30 सीरीज़ की जितने भी NVIDIA की तरफ से GPU वाली लैपटॉप्स होगी वो थोड़ी तो कॉस्टली होगी यार। तो यही था मेरा कंक्लूजन कि ये लैपटॉप आप ले सकते हो अगर आपका बजट है 1,20,000 के आसपास, क्योंकि ये लैपटॉप मैं यूज़ कर चुका हूँ, कोई भी लैग नहीं है, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग टेस्ट वगैरह भी कर चुका हूँ, 4K आराम से हैंडल कर लेता है।
तो यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। पर जितने भी आप लोग जो है ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क करना चाहते हो सब कुछ यहाँ पे कर पाओगे यार, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सब कुछ ये हैंडल कर लेगा। तो अगर लेना चाहते हो ये वाला लैपटॉप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जब भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक प्रेस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नए हो चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब कर रेड बटन प्रेस करो, साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस करना, ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें।